ये जो रमजान आ रहा है वो हमें बदलने के लिए आता है, ना कि हम रमजान को फजूल कामों में बदल दें। रमजान का एहतराम करें, रोजेदारों का ख्याल करें। आप सबको रमजान की आमद मुबारक हो। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। रमजान का महीना आने वाला है तो अपनी शरारतों से अम्मी अब्बू को बिल्कुल तंग ना करें, बल्कि उनकी हेल्प करें और उनको रोजे में तंग भी नहीं करना है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। रमजानुल मुबारक का हर लम्हा रहमतों और बरकतों वाला है, इसके किसी भी लम्हे को बगैर इबादत के जाया ना करें। खूब इबादत करने की नियत करें। यह महीना खेलने कूदने का नहीं बल्कि इबादत का है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। आने वाला वो महीना जिसमें दुआओं की कबूलियत के लम्हात, तरावी की बहारें, तहज्जुद की नमाज की चाशनी, तिलावत कुरान से फिजाओं का गूंजना, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का झूमना, हालत रोजा में दिलों का जगमगाना, रोजेदारों के पुर रौनक चेहरे, तो आप भी रमजान की आमद की तैयारी कीजिए। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। रमजान समोसे और पकौड़े खाने के लिए नहीं आता, बल्कि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए आता है। शरारतें कम करें और इबादतों में दिल लगाएं और अपने अम्मी अब्बू के अच्छे बच्चे बन जाएं। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।